बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत करेगी और ये जो कुछ भी हुआ इसकी बात बताई जाएगी। दिलीप घोष पर हमले की शिकायत करेगी बीजेपी। न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये कि इस पूरे हो हंगामे में भवानीपुर उपचुनाव के मद्देनजर जिस तरह से बीजेपी प्रचार कर रही थी और उस प्रचार के दौरान टीएमसी ने खलल डाला, ये आरोप बीजेपी का है, उस पर चुनाव आयोग को शिकायत करेगी बीजेपी। आशिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। आशिका, दिलीप घोष को टारगेट करने की कोशिश थी इस हमले में, ये आरोप लगाने जा रही है चुनाव आयोग के सामने बीजेपी। बिल्कुल, 5 बजे का समय मिला है चुनाव आयोग से जब ये प्रतिनिधि मंडल बीजेपी का वहां जाएगा। आज की जो घटना है उसको लेकर के शिकायत होगी। आरोप ये हैं दिलीप घोष के कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। वहां पर जो परिस्थिति नजर आई है, दोनों ही पक्ष आपस में जो है भिड़े और उसके बाद वहां पर कई बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हैं, ये आरोप बीजेपी का है। करीब 4 बीजेपी के कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती भी हैं जिन्हें देखने के लिए बारी बारी से वरिष्ठ नेता वहां पर जा रहे हैं और साथ ही प्रचार का जो दौर वो भी चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो जो लक्ष्य उन्होंने साधा था अंतिम दिन चुनाव के कि 80 जगह 80 चेहरे 80 नेता प्रचार करेंगे, तो वो लक्ष्य की पूर्ति के साथ ही चुनाव आयोग का रुख बीजेपी करेगी। और शिकायत दिलीप घोष पर जो हमले की घटना है उसकी, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि टीएमसी की तरफ से भी लगातार उंगली उठाई जा रही है। जो पिस्टल तानी गई थी दिलीप घोष के बॉडीगार्ड की तरफ से, उसको लेकर के संभव है कि टीएमसी भी शिकायत करे। और टीएमसी ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें ये कहा है कि ये मानवता के खिलाफ है। तो जो तस्वीरें जो इसके पहले भी चुनाव में हिंसा देखने को मिली है, कहीं ना कहीं उसकी एक झलक एक उपचुनाव भवानीपुर का, जो कि एक उपचुनाव है लेकिन बहुत ही महत्व रखता है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी प्रतिष्ठा एक तरफ दांव पर है। नंदीग्राम, जहां भवानीपुर से वो विधायक हुआ करती थी, दो बार से भवानीपुर छोड़ करके नंदीग्राम गई, वहां से ताल ठोकी, हार गई। शुभेंदु अधिकारी, जो कभी उनके सिपे सलार हुआ करते थे, उन्होंने नंदीग्राम से हरा दिया। अब वापस भवानीपुर में जो शोभन देव चैटर्जी मंत्री हैं ममता बनर्जी के, उन्होंने इस्तीफा देकर के जगह बनाई ममता बनर्जी के लिए और सिर्फ एक उपचुनाव की घोषणा। भवानीपुर की जो बैटल है वो दोनों ही पार्टियों के लिए साख का प्रश्न बनी हुई है और इसीलिए ये हंगामे की और ये इस तरह से एक दूसरे पर वार